अब मैं आपको टाइम्स ऑफ फैक्शन एक उदाहरण के माध्यम समझाऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। दो भैया हमारे पास हैं, एक फैक्शन जो प्रकार होते हैं ऐसे भैया बड़े हैं छोटे हैं। आप बैठे, आप इनके ऊपर बैठ लीजिए। देखिए अभी आप लोग देखिए, खड़े होइए। अब आप क्या देख रहे हैं, नीचे कौन है, नीचे कौन है, ऊपर कौन है, छोटा। ऐसे ही जब आप देखिए नंबर ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो तो उसको कहेंगे प्रॉपर। क्या कहेंगे? प्रॉपर। ये उचित भी है कि बड़ा नीचे है छोटा ऊपर, ये प्रॉपर फैक्शन। कौन सा फैक्शन? प्रॉपर। इसको कभी मत भूलना, जब नीचे संख्या बड़ी ऊपर छोटी स्मॉलेस्ट नंबर हो तो प्रॉपर फैक्शन। सीट डाउन, बैठ जाइए। अब प्रॉपर के लिए आप एग्जांपल देखिए, ये प्रॉपर फैक्शन है। अब आप यहाँ देखेंगे, जैसे हमने कहा 2/5, देख रहे हैं यहाँ 2 क्या है, 5 क्या है, ये प्रॉपर फैक्शन। अगर हमने कह दिया 3/7, ये देखिए 3 क्या है, ये क्या है, एक प्रॉपर फैक्शन के ऐसे तमाम उदाहरण। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ, भैया बैठ जाइए आप, अब इनके ऊपर बड़े वाले बैठ रहे हैं, चलो उठाइए, देखो उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चलो उठाइए, पूरा जोर लगाइए, क्योंकि ये बड़ा ऊपर हो गया। देख लीजिए इनकी सिर, देख लीजिए नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए ऐसे ही बाहर छोड़, ऐसे ही जब आपकी लार्जेस्ट नंबर बड़ी हो जाए, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। अब यहां मैं उल्टा कर दूं, देखो 5/2, अब यही है 5 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया, ये दबा हुआ है बेचारा एकदम, जैसे भी भैया दब गए थे। यहां मैं कह दूं 7/3, ऐसे मैंने कह दूं 9/4, ये इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर। ऐसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक आता है मिक्स्ड। एक भैया हमारे पास और आ जाए, कोई आ जाए इधर आ जाए। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो तो ठीक रहेगा, जब इम्प्रॉपर हो जाता है तो उसको मिक्स्ड। जैसे पहले बैठ जाए, चलिए अब एक खड़े हो जाए, देखिए आराम से खड़े हो गए। अब इनके बगल एक संख्या और लग गई, इनके बगल एक संख्या और लग गई, ये हो जाता है मिक्स्ड। तभी देखो जो भी ऊपर है क्या है, छोटा है, बगल में एक संख्या और लगी है। ऐसे ही जब नंबर आएगा, बैठ जाइए, ऐसे ही जब नंबर दिया आएगा यहाँ, अगर आपको एग्जांपल देना हो तो जैसे 3/2/5, ये देखो बगल में लग गई एक संख्या, ठीक है, ठीक है, अब समझना ठीक।